हेलो बच्चों, लेट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स द 4NO2 प्लस O2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 5.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 N इन 100 सेकंड, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन पूछ। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी? रेट इक्वल्स होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन, ये होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमारा क्या है, एक रिएक्शन जनरली अगर हम माने कि रिएक्टेंट है इस तरीके से, एंड ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर कोई भी हमारा क्या है, इसकी सोशियोमेट्री एन, इसकी सोशियोमेट्री क्या है हमारी एम। तो अगर हमें रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारी, रेट जो होगी रेट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। एंड साथ में ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एन से। एन क्या है हमारा, सोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट। तो जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं और उनका जो भी सोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट होगा वो हमेशा क्या आएगा हमारा, अपॉन में आएगा। एंड माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन जो है हमारी रिएक्टेंट की टाइम के साथ क्या हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब डी आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकाल कर भी देखेंगे तो डी आर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेट हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। तो प्रोडक्ट के लिए भी लिख के देखें तो प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट के लिए लिखें तो रेट बराबर हमारी क्या हो जाएगी, डी पी ओवर डी टी, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एम से। एम क्या है हमारा, सोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट। एम क्या है हमारा, सोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट एंड डी पी ओवर डी टी। इसी तरीके से इसकी, ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट लिखते हैं। रेट क्या है हमारी के लिए क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन के लिए रेट बराबर माइनस N2O5 के लिए लिखेंगे तो ये क्या आ गए, BN2O5 अपॉन में DT, एंड साथ में क्या आएगी, सोशियोमेट्रिक, वो भी डिनोमिनेटर में। तो ये आ गए हमारे सोशियोमेट्रिक। यहाँ पर इसी तरीके से ये क्या आ गया, 1/4 आ जाएगा, प्लस में आएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये प्लस नहीं थी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर 4NO2 आ जाएगा इस तरीके से, एंड ये क्या हो जाएगा, 1/4 आ गया हमारा, एंड 4NO2 के लिए लिख रहे हैं तो 1/4 आ गया अपॉन में, एंड DNO2 ओवर DT। एंड इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो एसएस बस ये इतना ही रहेगा, DO2 ओवर DT। हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय द 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन जो है हमारा वो क्या आ गया, 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम। एंड इसी तरीके से हमारा टाइम क्या दे रखा है, इन 100 सेकंड। तो 100 सेकंड का क्या आ गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज कर लेंगे ना। एंड यहाँ से डीटी क्या है हमारा, 100। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर पर सेकेंड इनवर्स, ये कितने आ गए, मोलर पर सेकेंड इनवर्स। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।